जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आपके लिए एक जो है न्यूज लेकर आए हैं कि 6 माह में भर्ती तो दूर परीक्षा तक नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से TGT PGT भर्ती परीक्षा के संबंध में एक न्यूज निकल कर आ रही है। क्या कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। भर्ती तो दूर, 6 माह में परीक्षा भी जो है नहीं कराई जा सकी। असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद 1.5 साल से अधिक समय से अटकी हुई ये परीक्षा है। शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 यानी कि 1017 पदों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि TGT एवं प्रवक्ता PGT के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में ही पूरी हो चुकी थी। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में अभी तक इन भर्तियों के लिए परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की जा सकी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब आवेदन लिए गए थे तब जो है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य थे। अगर उसी वक्त परीक्षा करा ली गई होती तो अब तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी मिल गई होती। वहीं आप सभी के लिए बता दें, आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष भी थे, लेकिन सदस्यों की संख्या काफ़ी कम थी। कुछ नए सदस्यों की नियुक्ति करके भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में इन दोनों बड़ी भर्तियों को शासन स्तर पर बैठे अफसरों ने गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा कि 1.5 साल बाद भी जो है ये भर्तियाँ आवेदन प्रक्रिया के बाद आगे नहीं बढ़ सकी हैं। प्रतियोगी छात्र संघ समिति के मीडिया प्रभारी और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष ने मांग की है कि अधूरी पड़ी भर्तियों को तत्काल शुरू कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी समय से जो है पूरी नहीं हो पा रही है भर्तियाँ। 1.5 साल से अधर में लटकी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT की बड़ी परीक्षाएँ। तो इस प्रकार की न्यूज़ थी। सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।